आई एम विद साफूर जरीफी एंड आई हैव जॉइंड बाय सालेक वली. ही इज फ्रॉम काबुल एंड वी हैव सीन द हॉरिफिक वीडियो वेयर टू यंग अफगान मैन आर फॉलिंग फ्रॉम अ अमेरिकन एरोप्लेन ऑन मंडे. दोज टू मैन फेल एंड डाइड on the roof of Wali Salik, who is in Kabul right now. We will speak to Wali. Wali will speak in Persian and Safur, his cousin in India, will translate for us. इनसे पूछें कि उन्होंने उस रात क्या आवाज, उस दोपहर क्या आवाज आई? आम वो चीजें कामुर रोशन में का ची और चरा काम या आवाज ऐसी नहीं दी, ची एहसास कर दी, काम में का दम बारा का बारे में मालूम होता भूगी. ऐसी आगे चीजें फिक्र में क्या लगता है या कुतर है बोरा जैसे कोई टाटा गाड़ी जो होता है बड़ा गाड़ी ट्रक उसका टायर जब फट जाता है इसी तरह एक आवाज हो गया था उस टाइम जब मैं सो रहा था इसी तरह आवाज हो गया. तो उस समय सो रहे थे ये वह खुद तस्तरात बुद्धि और बेदौर बुद्धि. लेट के फेसबुक चेक कर रहा था. अच्छा, तो उसको इतनी तेज आवाज आई जैसे लगी कोई टायर फट गया. बहुत बुरी आवाज. तो फिर ये उन्होंने क्या किया, छत पे गए, उन्होंने क्या देखा? वो बहुत जो वाल्डिंग कर रख के दी मैं अच्छी कर दी हम बोल रहे. उसके बाद मैं निकल के छत पे गया. इनका घर 3 मंजिल है, तीसरा मंजिल पे गया छत पे. छत पे देखा कि 2 बॉडी गिर गया है उधर. तो इसके पीछे में इसका वाइफ और इसका बेटी भी आया. तो इसका बेटी बेहोश भी हो गया. तो वापस उन दोनों के तो ले दोनों जो दो लोग हवा से गिरे जहाज से वो इनके छत पे गिरे. उन्होंने देखा कि दोनों डेड बॉडीज पड़ी इनके छत पे. वक्त एकदम बम बोलो शी दीदी कर दू जैसा दाफ्ती दगी सदा सारा बम. हाँ, जब इसने ऊपर गया देख लिया कि 2 डेड बॉडी गिरा हुआ है इसके छत पे. और इसकी बेटी बेहोश हो गई देख के, खून वगैरह था सब. इसका वाइफ खाना मत बेहोश हो या दख्तरा का तो बेहोश हो वक्त को जैसा दादी कदम से जोफ कर. उसके बेटी बहुत शौकी हो गया था और उसके वाइफ ने भी बेहोश हो गया था. तो पर उसके बाद क्योंकि ये सोच रहा था कि ये कहाँ से आया, कैसे इधर गिर गया. तो बोल रहा है जब मैंने उनको ले गया नीचे तो हमारे जो नाइबर है पड़ोसी है उन लोगों ने बोल दिया कि ये प्लेन से गिर गया है. अच्छा, उन्होंने नेबर्स ने देखा होगा कि छत पे गिरने के टाइम पे उसने देखा था कि उनकी छत पे गिरा. इनकी घर को नुकसान हुआ जब छत पे गिरे. इन्होंने बताया इतनी बहुत ज्यादा आवाज आई और ये वीडियो हम सबने देखा है कि आसमान से 2 लड़के गिर रहे हैं हवाई जहाज अमेरिका के. तो क्या घर में नुकसान हुआ इनके? ये बिस्योर में खाता खुर्दाने तो आस्ती देवदान तो चीजें नुकसान जरा रहे भारत रसौंद सब खाना ही होना रसौंदा. ज्यादा नहीं थोड़ा सा नुकसान हो गया. जैसे उसका सीमेंट है जो डिजाइन किया है छत को घर के अंदर की तरफ से उसका थोड़ा टुकड़ा गिर गया. प्लास्टर गिरा हुआ है. थोड़ा नुकसान हो गया, ज्यादा नहीं. तो जो डेड बॉडीज थी इनके छत से, तो फिर इन्होंने क्या किया? उन छत से बॉडीज को हटाया, फिर क्या किया इन्होंने? बहुत अजी को जैसा दौर दीदी हम सोया गुफ्त नाश्ता है और आफ्ती दवालीन कौर एक कदी ची कदी मेगा. بود
जो पहले चीज़ किया था, जो वहाँ पे इनका रिलेटिव भी है, पड़ोसी भी है, उन लोगों ने भी आया था। फिर इसने बोल दिया कि ये दोनों छत पे गिर गया है। जब ये छत पे गया है, अपने साथ शाल और स्कर्फ ले गया है, क्योंकि उनका जो पेट और सर था वो फट गया था, अच्छा तो उसके ऊपर वो डाल दिया। पर उसके बाद उसको मास पे ले गया, ना, मस्जिद में ले गए। मस्जिद में ले गया। उनकी पहचान हो पाई कौन दो लोग थे जिनकी डेथ हुई है, कौन जो लोग थे जो हवा जहाज से नीचे गिरे इनकी छत पे? این افرای که افتی ده بودن امی از تیاره دم بمب خودت برا خودت معلوم شد کیا نامشان چی بود؟ इनसे पूछे कि क्या ये वहां पर रहना चाहते हैं, वहां जहां भी वहां पर हैं काबुल में ये रहना चाहते हैं, क्या इनकी फैमिली भी बाहर जाना चाहती है, इसमें माहौल क्या है? وضعیت فعلا نگه اوجه چی رقم است؟ وضعیت چی رقم است؟ مردم در چی حالت است؟ فامیلایتان چی رقم است؟ چی میخواین؟ وضعیت بسیار بحرانی است. هیچ پیش بینی کردن به تنها فردا آدم شود. این دو سال بعد آدم پیش بینی کردن بوده. در شما باید میشه شور یک شور مشهد داده. دما شور آمده پیش دار. یعنی نیم سال نیم یک سال میشه کرد. شور آمده شور بسیار خلاقه. آن در مردمان شور حالا در زمین دارد. آن در مینی مردمان در زمین. बोल रहे कि सिचुएशन ऐसा है, कोई कुछ नहीं सकता है, 1-2 घंटे में क्या हो जाएगा। और अभी ये बोल रहा है मैं सिटी में आया था, जो सिटी में काबुल में इतना भीड़ था, अभी बोल रहा है वो पूरा खाली है, पूरा काबुल शहर खाली है। खाली है। जितना लेडीज घूमता था पहले, अभी कोई नहीं है उधर, कोई नहीं जा रहे। और वो जैसे सिटी मिलिट्री की तरह हो जाता है, काबुल सिटी बोल रहा है अभी उसी तरह हो यानी गया। काबुल की सड़कें खाली हैं, पहले जो लड़कियां घूमती थी बेखौफ आराम से वो नहीं घूम लड़का रही, भी लड़कियां भी अब लड़के लड़का भी नहीं है, लड़कियां भी नहीं है। जैसे भीड़, क्योंकि काबुल में इससे पहले बहुत भीड़ था, लोग घूमता था, पहले में भी प्रॉब्लम होता था, मगर तालिबान नहीं था, लोग के तालिबान के डर से घर नहीं जाएगा। अभी जो तालिबान आ गया है, उसी डर से अभी कोई बोल रहा है कि बहुत डेंजर लोग रहे। जैसे जब खाली होगा सीट, डेंजर रहेगा लोगों को, खौफ जो होता है उसी तरह वो खौफ होता काबुल। है सर। तो वली साले क्या रहना चाहते हैं काबुल में, इनकी फैमिली रहना चाहती है काबुल में, ये लोग भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बाहर जाएं, पूछेंगे। मेगा शुमो ची में खान शुमो में खान दामुजा बोशेन या कत फॉर्मिल बराएं बिरून बरें बोल रहे। अभी बहुत यार रहना जीना करना बहुत मुश्किल हो गया है, जीना गुजारना। अगर अवेलेबिलिटी मेरे पास होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यह वो है वली कि सालेक भी नहीं रहना चाहते नहीं हैं। रहना चाहते, क्योंकि जो माहौल हो गया है अभी वहाँ पे, ये भी अगर इसके पास भी कुछ अवेलेबिलिटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, मतलब ये अगर कर सकेगा वहाँ से निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा।